नमस्कार स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है मेरा नाम है विपिन बेबा क्या हालचाल हैं सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शनिवार को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को स्वागत करते हुए कही है कि अगर चुनाव तीन या चार चरण में हो तो ज़्यादा बेहतर हो तो बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर कही है कि हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी की घोषणा को स्वागत कर रहे हैं लेकिन अगर कि चुनाव कम समय में करीब तीन या चार चरण में हो तो, तो कि ज़्यादा बेहतर हो तो या तो समय व संसाधन दोनों की बचत के साथ साथ चुनावी खर्च कम करना संभव हो तो उन्होंने कही है कि इतना ही नहीं कम चरणन में चुनाव होने ते चुनावी माहौल को लगातार तनावपूर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक बनने सहित अन्य समस्या भी दूरी होती बसपा प्रमुख ने कही है कि करीब ढाई महीना तक चुनावी प्रक्रिया जारी रहने थी चुनाव में खर्च बढ़ेगा और चुनाव लंबे समय तक खिंचेगा जहाँ की वजह थे गरीबों उपेक्षित और कमजोर तबके के, -के तन मन धनते चलने वाली पार्टी बसपा को धनवान पार्ट इनते सही व ईमानदार तरीका से मुकाबलों करना लगातार और भी मुश्किल है जागो मायावती ने जोर देकर कही है कि या के साथ ही देश में लोकतंत्र की जमीनी मजबूती के लिए चुनाव को पहली नजर में स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है जी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए निर्वाचन आयोग से बहुत सारी उम्मीद है बसपा सुब्रीम मायावती ने निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता को पूरी शक्ति से अनुपालन कराने को अनुरोध करो है उन्होंने कही है कि इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को पूरी शक्ति के साथ रोकने और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को समान चुनावी अवसर प्रदान करने के लिए आद आदर्श चुनाव आचार संहिता को भी सही व सख्ती से अनुपालन कराना बहुत ज़रूरी है उन्होंने कही है कि दबंग व सामंती तत्वों द्वारा लोगों को वोट डालने और अन्य तरीका स्वतंत से स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने की शिकायत भी आम है जाकू लेके भी आयोग को प्रभारी कदम उठाना बहुत ज़रूरी है मायावती ने आयुक्त जनता की अन्य शिकायतों और उनके समाधान पर समुचित ध्यान देने की अपील करी है अभी के नहीं सिर्फ इतना ही नई वीडियो में फिर आपके साथ रूबरू होंगे जब तक के आ, देसी बिगड़ ब्रेक बगैर लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज में बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार